धनुष तोड़ जय माल ले सियावरी रघुनाथ परशुराम आए तुरत परशा पकड़े हाथ बोले क्षत्रियो संभल जाओ जीवत ना एक को छोड़ूंगा गुरु का अपराधी कौन है मैं उसका ही मस्तक तोड़ूंगा शंकर के धनवा को तोड़े और आशा रखे जीवन की धिकार मेरे परशे को जो काटू ना गर्दन दुर्जन की रघुनाथ झुका कर माथ कहा हे नाथ मैं दास तुम्हारा हूँ शिव कृपा से शिव का धन तोड़ा मैं शिव का प्राण प्यारा हूँ भृगुपति बोले वह सेव कहे जो स्वामी का अपमान करे तो बतलाओ स्वामी अपने शत्रु की क्या पहचान करे हे राम तुम ही अपराधी हो तू दास नहीं अभिमानी है मैं प्राण दंड दूंगा तुझको बस यही मन में ठानी है प्राण दंड के शब्द सुन लखन कहा मुस्काए वृथा क्रोध अच्छा नहीं ब्राह्मण को मुनिराय जनक राज निज धनु तोड़वाया तुम्हें क्रोध हम पे क्यों आया बचपन में धनवा बहुत तोड़े तब तुम क्यों आए नहीं दौड़े इस धनु में क्या लाल जुड़ाने क्या लाल जुड़ाने विप्र कहो तुम काहे रिताने क्यों बूढ़ा परसा दिखलाए कहिए तो कुछ मिष्ठान खिलाए लखन लाल की हंसी से बढ़ा एकदम जोश बोले मुनियो छोकरे बस बस हो खामोश शिव धनुष साधारण धनुष है क्या ओ सठ क्यों बात बनाता है मैं नहीं हूँ न्योतारी बाहमन तू नाहकरार बढ़ाता है ब्राह्मण कुल द्रोही क्षत्रियों का मैं शीश काटने वाला हूँ अभिमानी सहस बाहु जैसों का खून चाटने वाला हूँ सुकुमार अवस्था देख तेरी आती है दया नादानी पे कुछ सोच जरा क्यों मरता है परसा है मेरा जलानी पे लक्ष्मण बोले परसे धारी की लीला खूब मैं जानता हूँ जिससे माता का सर काटा उस परसे को पहचानता हूँ स्वामी बाहर वो बीत गई देखो मौसम पतझड़ है अब रघुवंशी तीरों के आगे बूढ़ा परसा बेकार है अब
परशुराम के क्रोध को बढ़ते देख श्री राम जी ने कहा, स्वामी परसा शत्रु को काटता है, सेवक पे दया दिखाएगा, महाराज क्रोध में भूल गए, परसाना हमें भुलाएगा। प्रभु वार पे वार करो, सेवक सहते आए हैं सह लेंगे, जिन चरणों से ठुकराओगे उन चरणों को हम चूमेंगे। भृगु मुनि ने जो विष्णु के लात मारी थी उसकी याद दिलाने वाले राम के भेद भरे वचन सुनकर परशुराम जी बोले, राम तुम अवतारी हो तो लो विष्णु का धनुष, इसका चिल्ला चढ़ाओ और मेरा संदेह मिटाओ। विष्णु धनुष ले राम ने चिल्ला दिया चढ़ाए, भृगुपति निज आश्रम गए राम चरण शिरनाए, भृगुपति निज आश्रम गए राम चरण शिरनाए।